मैं प्रेम लिखती हूँ और प्रेम ही पढ़ूंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्रेम दर्शन का विषय है, प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं है। चार चार पंक्तियों से अपनी बात आप तक पहुंचाती हूँ। हाजी साहब का बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी महफिल सजाई। मेरी बहन जब पढ़ रही थी तो वो तारीफ में गा रही थी कि हाजी साहब लोगों के लिए बहुत मुश्किल पैदा करते हैं, मेरा मतलब है बहुत साथ देते हैं, मुश्किल का हल निकालते हैं। इनकी हिम्मत को दाद देती हूँ, बहुत ही मासूम है और मैं इनकी कोशिश को दाद देती हूँ। चार चार पंक्तियों से आप तक पहुँचूंगी। करौली मेरा पहली बार आना हुआ है, चार पंक्तियाँ आपके लिए। जी स्वागत। मैं ये कहने की जरूरत तो नहीं करती कि करौली मेरा शहर है, पर एक वहम जरूर पाल सकती हूँ कि आप सभी मेरे हैं। वाह 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 वाह। चंद लम्हे मेरे हर पहर आपका, चंद लम्हे मेरे हर पहर आपका। वावा करो, ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा, वावा करना पड़ता है। चंद लम्हे मेरे हर पहर आपका, एक एक कोना मेरा और घर आपका। वाह 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 वाह। याद दिल से करोगे तो जाऊंगी, याद दिल से करोगे तो आ जाऊंगी, याद दिल से करोगे तो आ जाऊंगी। मैं तो मेहमान हूँ ये शहर आपका, ये शहर आपका। क्या कमाल सुन रहे हैं आप। वाह, मुझे आपकी मोहब्बत पे यकीन था कि आप भी मुझे अच्छे से सुनी लेंगे। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया। अक्सर तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, करौली वालों, अक्सर तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कितना अपनापन देती है ये दुनिया। वाह 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 वाह। और आप लोग बीच बीच में ठुमकी क्यों लगा रहे हैं, इतना लोड मत लीजिए। चार पंक्तियां और सुनिएगा। तारीफ तो सारा जमाना करता है, पर एक वो शख्स जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, वो आपकी तारीफ करे तब कैसा लगता है, सुनिएगा। स्वागत। हाल दिल का छिपाना नहीं आएगा। वाह वाह वाह। हाल दिल का छिपाना नहीं आएगा, हाल दिल का छिपाना नहीं आएगा, कौन तुम साथ तराना नहीं गाएगा। आज मुस्कान की तुमने तारीफ की। वाह वाह वाह। आज मुस्कान की तुमने तारीफ की, अब मेरा मुस्कुराना नहीं जाएगा। वाह 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 वाह। अब मेरा मुस्कुराना वाह 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 नहीं जाएगा। इमरान साहब यहाँ पर बैठे हैं, आप तक भी मेरा प्रणाम पहुँचे। एक घंटे से, लगभग एक डेढ़ घंटे से कैमरामैन इनकी फ़ोटो ले रहा था, खींच रहे थे कैमरामैन इनकी फ़ोटो एक डेढ़ घंटे से। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि खूबसूरत चेहरे की तो एक फ़ोटो भी 100 पर भारी होती है। चार पंक्तियाँ और सुनिएगा। इसीलिए आपका एक ही फ़ोटो लिया उसने। कैमरामैन तो इनकी भी फोटो ले रहा था जी। मैं उनके टेस्ट की दाद देती हूँ। चार पंक्तियां और सुनिएगा। देखिए, हम लोग लिखने वाले लोग हैं, हमारी डिक्शनरी में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसी चीजें नहीं होती। अरे वाह। क्योंकि हम अपने प्रेमी को पन्ने पर महसूस करना जानते हैं। जब हम पन्ने पर हथेली रखते हैं, जब हम पन्ने पर हथेली रखते हैं तो हमें हथेली महसूस होती है, जब हम शब्द पर हथेली रखते हैं तो हमें उंगलियां महसूस होती है। सुनिएगा। वाह वाह। तार दिल के हिले शायरी हो गई। आहा वाह वाह वाह। तार दिल के हिले शायरी हो गई, तुझसे मिलकर गले हायरी सो गई। वाह वाह वाह। मैं तो बस्ते में रख
क्या कहना क्या मैं कहना? तो बस्ते में रख कर थी लाई तुम्हें, बीच रस्ते में ही डायरी खो गई। वाह वाह वाह, बीच रस्ते में ही डायरी खो गई। क्या कमाल सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा। और ये मनिका जी आप गौर कीजिए, इसमें जो 7-8 साल के बच्चे हैं, इन्हें देख के मैं बहुत गौर से ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेलीविजन की बदौलत फसल जल्दी पक गई, बच्चा बच्चा शहर का बालिग नजर आने लगा। मुझे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो कॉन्फिडेंस के ही जी बिल्कुल, शक्ल भले फूफा जैसी हो, कॉन्फिडेंस पूरा लड़कों वाला है। चलिए मैं आप तक पहुंचती हूँ, एक बार मेरे लिए और ताली बजाइए सब लोग, पढ़िए। इन्हें भी मिले कुछ सब्र की दाद, कुर्सी वालों, इन्हें भी मिले कुछ सब्र की दाद, ये जो कुर्सी पे रखे हुए लोग हैं। अरे वाह, तो आपसे भी मैं गुजारिश करूंगी कि आप भी मुझे सुने, मेरा साथ दें। जी जी जी, एक छोटा सा गीत है, दो बंद है, मैं आप तक पहुंचाती हूँ, प्रेम का गीत है। मैं कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगी, ज्ञान की बात करने के लिए संचालक जी हैं। मैं आपको परेशान भी नहीं करूंगी, क्योंकि परेशान करने के लिए आपके रिश्तेदार ही काफी हैं। सुनिएगा गीत, स्वागत, प्यार का गीत है, सुनिएगा। जब भी हम प्रेम में होते हैं तो एक व्यक्ति का दिल बहुत मजबूत होता है और एक व्यक्ति का दिल बहुत नाजुक होता है जी। तो एक मजबूत दिल वाला प्रेमी या प्रेमिका अपने कमजोर दिल वाले, नाजुक दिल वाले प्रेमी या प्रेमिका से क्या कह रहे हैं जी, जी सुनिएगा। पढ़े, तुम्हारा फूलों सा ये दिल, तुम्हारा फूलों सा ये दिल, तुम्हारा फूलों सा ये दिल, मेरा साथ दो, तुम्हारा फूलों सा ये दिल, तुम्हारा फूलों सा ये दिल, पल भर में मुरझा जाता है, पल भर में उकसा जाता है, पुल बांधूं तारीफों के तो ये झट से हर्षा जाता है। नाजुक दिल को पढ़ना सच में, नाजुक दिल को पढ़ना सच में कितना है मुश्किल, कितना है मुश्किल, तुम्हारा फूलों सा ये दिल, तुम्हारा फूलों सा ये दिल, तुम्हारा फूलों सा ये दिल। क्या कहना क्या कहना मनिका जी, वाह वाह वाह। और सुनिएगा, स्वागत। फूल सरीखे दिल पे कोई, फूल सरीखे दिल पे कोई, तितली दूजी बैठ न जाए, पूरा का पूरा दिल मेरा मेरी भी ये ऐठ न जाए, फूल सरी के दिल पे कोई तितली दूजी बैठ न जाए, जीना वरना उस तितली का, जीना वरना उस तितली का, कर दूंगी बोझिल, कर दूंगी बोझिल, तुम्हारा फूलों सा ये दिल, तुम्हारा फूलों सा ये दिल, तुम्हारा फूलों सा ये दिल। और अगर आपकी इजाजत हो तो एक गजल पेश करूं। अच्छा जी, इमरान साहब ने गुजारिश की है कि शहर के शोर में मैं गजल पेश करूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप इस गजल से परिचित हैं और आपने ये सुनी है, तो ये मेरा सौभाग्य है जी। और मैं जानती हूँ कि आप इमरान जी से बहुत मोहब्बत करते हैं, और मैं तो बस उनकी भूमिका में यहाँ पर खड़ी हूँ। इमरान जी के लिए 4 पंक्तियाँ पहले उनको सौंपती हूँ। आप अगर उनसे मोहब्बत करते हैं तो आपके अंदर एक इंतज़ार भी होना चाहिए उनके। नहीं, इमरान जी से बहुत सारे लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन अभी तक शोध का विषय ये है कि इमरान जी किससे मोहब्बत करते हैं। चमक की चाह है तो आग में तपना जरूरी है, वाह वाह करो, चमक की चाह है तो आग में तपना जरूरी है, मुलाकातों में तो पहली अदब रखना जरूरी है, किया आगाज है अंजाम भी होगा सफल एक दिन,
अगर है चांद मंजिल तो जरा रुकना जरूर। एक गजल पेश करती हूँ अधूरी मोहब्बत के नाम। इरशाद, इरशाद। देखिए हमें जीवन में एक ना एक बार प्रेम जरूर होता है जी, जी, जी। और एक ना एक बार दिल भी जरूर टूटता है। तो मैं अधूरी मोहब्बत के नाम ये गजल पेश करती हूँ। उसकी भूमिका में कहना चाहूंगी कि उसकी यादों का हर जाना अच्छा है। वाह। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है। क्या कहना, वाह वाह वाह। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है। अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा है। वाह 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 वाह। सुनिएगा। शहर के शोर में वीरानियां हैं, शहर के शोर में वीरानियां हैं, शहर के शोर में वीरानियां हैं। यहां तुम हो मगर तन्हाइयां हैं, शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहां तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। बहुत अच्छा पढ़ रही है मनिका जी। वाह 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 वाह। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारू। क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह वाह। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारू। वाह। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहां तेरी मेरी परछाइयां हैं, वहीं पे बैठ के। और एक शेर में लड़कों की नजर करना चाहती हूँ। स्वागत। क्योंकि लड़के बहुत नादान होते हैं। नादानी का एक शेर लड़कों के नाम। उसी से रूठ कर उसको मनाना, 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 दिलों की तो यही नादानियां हैं। उसी से रूठ कर उसको मनाना, मनाना। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। दिलों की तो यही नादानियां। भाई क्या अच्छी गजल पढ़ रही है। वाह 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 वाह। और एक शेर में लड़कियों की भी नजर करना चाहती हूँ। हालांकि यहाँ ऑडियंस में लड़की नहीं है, पर मेरा मानना है कि स्त्री संख्या में भले कम हो पर योगदान में सबसे ज्यादा होती है। सुनिएगा। ये दो बैठी है ऊपर, इन्हीं से काम चला लीजिए फिलहाल। मैं बहनों को नजर करना चाहती हूँ। जी जी। सुनिएगा। एक शिकायत का शेर है, सुनिएगा, क्योंकि अक्सर शिकायत लड़कियों को ही होती है। नहीं करता मिलन कामन नहीं, करता मिलन का मन तुम्हारा। वाह वाह वाह। मुझे ही क्यों भला बेताबियां हैं। नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, मुझे ही क्यों भला बेताबियां हैं। मुझे ही क्यों भला बेताबियां हैं। और इसके दो शेर और पढ़ूंगी और फिर अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी। स्वागत, स्वागत। कम से कम मुझे इतनी मोहब्बत देना कि मुझे लगे कि थोड़ा सा करौली मेरे साथ गया और थोड़ा सा मेरा शहर जबलपुर यहाँ पर छूट गया। अंतिम दो शेर, एक शेर में माँ की नजर करना चाहती हूँ। सुनिएगा। मुझे लगता है कि माँ दुनिया में इकलौता एक ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका निभा सकती है
और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। तो सुनिएगा शेर। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना। वाह। कभी माँ की हथेली चूम लेना, बड़ी माँ की रही कुर्बानियाँ। कभी माँ की हथेली चूम लेना, बड़ी माँ की रही क्या संदेश है, वाह वाह कुर्बानियाँ है। तेरा होना यहाँ एक तेरा होना यहाँ एक मोजिजा है, तेरा होना यहाँ एक मोजिजा है। सिफर में भी बड़ी गहराइयाँ है तेरा होना यहाँ। क्या कहना, क्या कहना बा। और अंतिम शेर आपकी मोहब्बतों के नाम और अधूरी मोहब्बत के नाम, सुनिएगा इरशाद। चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, बिना सोचे ये कस्में तोड़ देना, बिना सोचे ये कस्में तोड़ देना, कलाई आसरे की मोड़ देना, खुशी में आपकी अड़चन बनूं तो उसी पल आप मुझको छोड़ देना। वाह 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 वाह। चलो एक दूसरे को भूल जाए, क्या कहना बाबा। चलो एक दूसरे को भूल जाए, जहां में यार भी बर्बाद। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया।